ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ଜଙ୍କସନ୍ ନାଁରେ ଜଣାଯିବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟେସନର ନବକଳବ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପରେ ଏହାର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତିରିଶ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି अयोध्या फैजाबाद जब अलग अलग रहा तो योगी आदित्यनाथ जी ने इसको पूरा अयोध्या कर दिया अयोध्या करने के बाद में फैजाबाद हट गया अब पूरा जो फैजाबाद अलग रहा अयोध्या अलग रहा वो एक अयोध्या हो गया अब इधर उसका जो रेलवे स्टेशन फैजाबाद का था उसको कैंट स्टेशन कर दिया उसका भी परिवर्तन हुआ अब आ गया कि अयोध्या पहले था अयोध्या जैक्सन, अब अयोध्या जैक्सन को अयोध्या धाम कर दिए यह माननीय योगी आदित्यनाथ जी के देन हैं मुख्यमंत्री जी का और ये उनके दिमाग में इस तरह आता ही कितना इसमें परिवर्तन ला दें जिससे कि हमारे भक्तों को अच्छा लगे और इस तरह से एक न एक नई बात यदि कोई आती है तो उसमें परिवर्तन कर देते हैं अयोध्या धाम होना चाहिए था वो अयोध्या धाम नहीं था और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की निर्देश पर माननीय रेल मंत्री जी ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है मैं इसका स्वागत करता हूं और इससे अयोध्यावासी ही नहीं देश भर में जो भी अयोध्या धाम आते हैं भगवान रामलला का दर्शन करने आते हैं सरयू मैया में स्नान करने आते हैं हनुमानगढ़ी में दर्शन करने आते हैं और सब इस फैसले से बहुत प्रसन्न हैं और यह स्वागत योग्य फैसला है अभिनंदन योग्य फैसला यदि आपन को हम वीडियो टी भल लगला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं